नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस कौन हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। यदि आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कौन से कॉलेज के लिए सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए, तो आज के वीडियो में हम लोग उसी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन कॉलेज आते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो आते हैं, पटना कॉलेज एक, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, ये आठ कॉलेज जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो इनमें जो है, जो पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज, ये लड़कियों के लिए रिजर्व है, यहाँ पे लड़के जा नहीं सकते हैं, एडमिशन ले नहीं सकते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में क्या होता है कि कॉमर्स की पढ़ाई होती है, तो जो लड़के कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी से, तो वो वाणिज्य महाविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लड़कियों के, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, तो लड़कियों के लिए पहले बात करते हैं कि उनके लिए पटना वुमेंस कॉलेज बढ़िया होगा या मगध महिला कॉलेज बढ़िया होगा, यदि वह सेपरेटली सिर्फ लड़कियों वाली कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है, मगध महिला कॉलेज जो है गांधी मैदान के पास में स्थित है, यहाँ क्या होता है फीस कम है, यहाँ फी कम है। पटना वुमेंस कॉलेज का फी बहुत ही ज़्यादा है जो पटना हाई कोर्ट के पास में है। पढ़ाई की बात करें तो मगध महिला कॉलेज से पटना वुमेंस कॉलेज कुछ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि वहाँ पे फी थोड़ा सा ज़्यादा है, पढ़ाई अच्छा है। मगध महिला कॉलेज में फी थोड़ा सा कम है, पर पटना वुमेंस कॉलेज से थोड़ा सा पढ़ाई में कम है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि अब लड़कों के बारे में कि उनको पटना, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रह जाता है, पटना कॉलेज या बीएन कॉलेज। ये दोनों में उनको उस ऑप्शन को चूज करना होता है कि वो पटना कॉलेज जाए या बीएन कॉलेज जाए। बीएन कॉलेज गांधी मैदान के पास स्थित है, पटना कॉलेज अशोक राजपथ पीएमसीएच के बाद स्थित है। तो यदि आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी से ऑनर्स करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीएन कॉलेज से बेस्ट पूरे पटना में भी कोई सा कॉलेज नहीं है ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ का जो फैकल्टी है बीएन कॉलेज के सबसे बेस्ट फैकल्टी है। तो बीएन कॉलेज जो है वो पटना यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा, ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो वो जो है सो पटना कॉलेज का बहुत ही अच्छा, हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो आप यदि सिविक पॉलिटी लेना चाहते हैं तो आप पटना कॉलेज जा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप बीएन कॉलेज जा सकते हैं। तो पटना कॉलेज या बीएन कॉलेज में बहुत जो है सो सब्जेक्ट का खेल है, ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में पटना कॉलेज आगे हैं या सारे सब्जेक्ट में जो है बीएन कॉलेज आगे हैं। किसी सब्जेक्ट में पटना कॉलेज आगे है तो किसी सब्जेक्ट में बीएन कॉलेज आगे है, दोनों कॉलेज सेम है। वो सिर्फ आदमी का सोच होता है कि ये कॉलेज आगे है या ये कॉलेज पीछे है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यदि आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो आप बीएन कॉलेज आ जाइए, हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो पटना कॉलेज चले जाइए। नाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाम अभी जो है पटना कॉलेज का ही है। पटना कॉलेज जो है बहुत ही पुराना कॉलेज है, अब बहुत ही सुंदर बनाया गया है। पढ़ाई के भी मामले में पटना कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या होती है कि रोज़ आपको कॉलेज करना होगा, 70% आपको अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बीएन कॉलेज में यही बात है, ज्योग्राफी बीएन कॉलेज का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हिस्ट्री पटना कॉलेज का अच्छा है। बीएन पटना कॉलेज का जो होता है सो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जाता है किसकी अपेक्षा में, बीएन कॉलेज की अपेक्षा में। बीएन कॉलेज का जो होता है कट ऑफ कम जाता है। हम लोग अब बात करते हैं कि लड़कियों को यदि पटना कॉलेज या बीएन कॉलेज में सेलेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए। तो उनको बीएन कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बीएन कॉलेज जो है थोड़ा सा सेफ है, वहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ होता ऐसा नहीं है, जो सेफ है बहुत ही अच्छा है। तो पटना कॉलेज जो है वो भी ठीक है, पर यहाँ रैगिंग का जो आता है प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पढ़ाई के मामले में दोनों कॉलेज सेम है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल लेना है तो किस प्रकार हॉस्टल लेना होगा, और आप कौन सा हॉस्टल लें, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं,
हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना चाहते हैं तो आपके लिए पटना साइंस कॉलेज आँख मूंद कर एक ही ऑप्शन है। पटना साइंस कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज आप ले लीजिए। वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, इसीलिए आपको मेहनत करना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए आपको पटना साइंस कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये सारे कॉलेज है जिनका हॉस्टल है, वो हॉस्टल किस प्रकार ले सकते हैं, हॉस्टल लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं मैं आपके पास सबसे पहले लेकर आता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।